Hello dear students, this is your social science class and today we are continuing with the second chapter of civics, that is role of the government in health. इसका एक वीडियो हम पहले कर चुके हैं, आई होप आप सबको समझ में आया होगा. इसके बाद जो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो हम शुरू कर रहे हैं द स्टोरी ऑफ हकीम शेख. हकीम शेख एक एग्रीकल्चरल लेबरर थे, ही वॉज एन एग्रीकल्चरल लेबरर एंड ही वॉज ऑल्सो ए मेम्बर ऑफ एन एसोसिएशन दैट इज़ नेम पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति. ठीक है, इस एसोसिएशन के वो एक मेम्बर थे इस समिति के. तो एक बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ही एक्सीडेंटली फेल डाउन फ्रॉम अ ट्रेन एंड गेट सीवियर हेड इंजरीज. और उसके बाद उनको जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, तो जब फर्स्ट हॉस्पिटल में जाते हैं तो देयर ही वॉज डिनाइड. दे टुक हिम, द पीपल टुक हिम टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टाफ डिनाइड देम ऑन द बेसिस दैट दे हैव नो स्पेयर बेड इन देयर हॉस्पिटल. वहाँ पे उनको ये कह के मना कर दिया जाता है कि उनके पास कोई स्पेयर बेड नहीं है. देन ही वॉज टेकन टू अनदर हॉस्पिटल जहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ की कमी होने की वजह से उनको आगे रेफर कर दिया जाता है. देन अगेन ही वेंट टू अनदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल. इस तरह से करते करते ही स्पेंड क्रिटिकली 14 आवर्स, 14 घंटे वो उस क्रिटिकल सिचुएशन में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल घूमते रहते हैं. एंड नॉट जस्ट 1, 2 और 3 हॉस्पिटल्स, ही वॉज टेकन टू 8 हॉस्पिटल्स. 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको ले जाया जाता है एंड एवरीवेयर ही वॉज डिनाइड द ट्रीटमेंट. देन ही वॉज टेकन टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी लाइफ को खतरा था, उनकी बहुत ब्लीडिंग हो चुकी थी, तो उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है. वहाँ पर उनकी ऑपरेशन सर्जरीज वगैरह होती हैं एंड ही दैट कॉस्ट हिम वेरी हाई, क्योंकि वो तो एक एग्रीकल्चरल लेबरर थे, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था. बट देन टू सेव हिज लाइफ ही स्पेंड दैट मनी. और उसके बाद उनका जब इलाज हो जाता है, वो ठीक हो जाते हैं, ही वॉज वेरी एंग्री विद द गवर्नमेंट फैसिलिटीज़. और वो फिर गवर्नमेंट के ऊपर केस करते हैं, वो कोर्ट में जाते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं और उनका जो सपोर्ट है वो उनकी जो मजदूर समिति थी वो उनको हेल्प करती है. ठीक है, तो ये सिचुएशन हमने देखी द स्टोरी ऑफ हकीम शेख में. इसमें आगे क्या हुआ ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे विद द चैप्टर. तो अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों उन्होंने ये केस किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, क्यों उनका क्या राइट था कि वो केस करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर, क्यों था, वाई ही हैड दिस राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट. बिकॉज as we have studied in the last video that it is the government duty of the government to provide health care services to its citizens. government ka ki responsibility hoti hai ki wo apne jo citizens hain unko health care facilities provide kare, unka treatment kare emergency situations mein. aur ye unko deny kiya gaya, isliye unhone government ke upar case kiya. theek hai, fir aage hamara chapter run hota hai, ek aur story aati hai usme, the cost of a cure. यहाँ पर आपको बेसिकली ये समझ में आएगा दैट व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ये स्टोरी क्या है, ये दो बच्चों की स्टोरी है, अमन एंड रंजन. वो दोनों बहुत दिनों के बाद स्कूल में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को हेलो करते हैं. और फिर वो एक बच्चा बताता, अमन बोलता है कि वो बहुत दिन से स्कूल नहीं आ पाया. तो रंजन बोलता है कि यस, आई ऑल्सो वॉज नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल फॉर मैनी डेज. दोनों एक दूसरे को रीज़न बताते हैं कि दोनों को फीवर हुआ था इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाए. तो फिर उनका डिस्कशन शुरू होता है. अमन बताता है कि ही वॉज टेकन टू अ हॉस्पिटल बाय हिज फादर एंड दिस हॉस्पिटल इज़ अ वेरी ह्यूज हॉस्पिटल, वेरी नाइस बिल्डिंग, वहाँ किंग्स वे पर उनका उन जो भी स्टोरी में उनकी प्लेस है वहाँ पर ये हॉस्पिटल है किंग्स वे पर. और वहाँ पर उनको लेकर उसके पापा जाते हैं, बहुत सुंदर पॉश बिल्डिंग है पॉश एरिया में. और फिर वहाँ पर अंदर जाते हैं तो बहुत ही सुंदर एक रिसेप्शन एरिया होता है, वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट होती है, शी ग्रीट्स देम. और फिर उन वो 500 रुपीज़ उसके फादर पे करते हैं. देन शी गेव देम द नंबर, जो उनका पेशेंट नंबर होता है. फिर जब उनका नंबर आता है दे वेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर सीज देम वेरी पेशेंटली, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बातें करते हैं उस बच्चे के साथ, अमन के साथ. और फिर उसका ब्लड टेस्ट होता है, ही रिकमेंड सम ब्लड टेस्ट जो उसी जगह उसी हॉस्पिटल में होता है. और वहाँ पर जो ब्लड टेस्ट करने के लिए जो नर्स होती है, शी ऑल्सो ट्रीट्स द चाइल्ड वेरी पेशेंटली और बहुत अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करती हैं. एंड देन द रिपोर्ट्स केम, और उसके बाद डॉक्टर जो होते हैं वो उनको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट वर टू मैनी इन नंबर, वन फॉर समथिंग, वन फॉर पेन रिलीफ, वन फॉर फीवर, वन फॉर कफ, ऐसे करके उसको बहुत सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. दे
go after this treatment, they reach their home. Similarly, Ranjan tells Aman about his experience. वो भी उसको experience बताता है अपना, लेकिन उसका experience बहुत different था. वो बताता है कि उसके father उसको government hospital में लेकर गए, जहाँ पर कि पहले तो उसके फादर ने मना किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि let's see, हम लोग देखते हैं ठीक हो जाए ऐसे ही, क्योंकि वहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड होगा उनका, जो कि उनको काम, जिस काम पे वो जाते हैं उसमें, उस काम में असर पड़ेगा अगर वो बहुत सारा टाइम हॉस्पिटल जाने में स्पेंड कर देंगे तो. बट जब रंजन ठीक नहीं होता है तो उसके फादर उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और वो कौन सा हॉस्पिटल होता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ पर उनको बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है. जब उनका OPD का नंबर आता है तो वहाँ पर डॉक्टर उनको देखते हैं और फिर उनको टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं. जहाँ पर टेस्ट कराने जाते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं होती, गंदगी होती है, और वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. जो नर्स होती है वो भी बहुत मतलब इम्पेशेंट हो जाती है, क्योंकि आसपास इतनी ज़्यादा भीड़ और शोर मच रहा है. तो वो जल्दी से उसका सैंपल लेती है और फिर बोलती है कि रिपोर्ट्स कुछ दिन बाद आएंगे. देन आफ्टर 2-3 डेज उसके रिपोर्ट्स आते हैं, और फिर वो रिपोर्ट्स दिखाने के लिए दोबारा से उस हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ उन्हें अगेन उतनी ही बड़ी लंबी लाइन में लगना पड़ता है. इस बार जब वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो डॉक्टर दूसरे होते हैं, जो जिनको पहले दिखाया था वो वाले डॉक्टर नहीं होते हैं, दूसरे डॉक्टर होते हैं. वो उसको देख कर बताते हैं कि हाँ ये कंडीशंस हैं, और वो उसको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. तो दोनों की स्टोरी में आपको क्या डिफरेंस समझ में आया, क्या डिफरेंस है? वन वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड द अदर वॉज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस था? एक की बिल्डिंग बहुत शानदार थी, वहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़े, 500 रुपीज़ तो रिसेप्शन पे ही उनको देने पड़े, जिसकी जो डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस थी. उसके बाद वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, जो वहीं पर उनकी ब्लड टेस्ट हो गया और रिपोर्ट्स भी उसी दिन आ गए, डॉक्टर ने उसी दिन देख लिया और उनको बहुत सारी मेडिसिन दे के घर भेज दिया. जबकि दूसरी तरफ क्या हुआ कि उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा, वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं थी, हाइजीन मेंटेन उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी जितनी कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है. उसके बाद फिर वो लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसकी रिपोर्ट्स तुरंत नहीं आती हैं, कुछ दिन बाद आती हैं, और फिर डॉक्टर उनकी कंडीशन देख के उनको जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कितनी मेडिसिन होती है वो? वन मेडिसिन. ठीक है, तो वॉट डज दिस शो? कि दोनों का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल अलग है. एक जगह बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, एक जगह कम पैसा लग रहा है. एक जगह जो मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छी है, दूसरी जगह मेंटेनेंस अच्छी नहीं है. और तीसरी बात ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने पर आपको बहुत सारी मेडिसिंस प्रिस्क्राइब की जाती है, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम मेडिसिंस प्रिस्क्राइब की जाती है. ठीक है, मतलब कि वही ट्रीटमेंट कम दवाएँ खा के भी हो जाएगा, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने पर बहुत सारी दवाइयाँ डॉक्टर्स दे देंगे, क्योंकि दे इट कॉस्ट अ लॉट. जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनको बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स को देखना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत ही लॉन्ग और लेंदी होते हैं, जिसमें बहुत सारी मेडिसिंस वो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ से हमें क्या समझ में आया कि हेल्थ सर्विसेज जो अवेलेबल हैं हमें सोसाइटी में वो कितनी तरह की हैं? दो तरह की हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. क्लियर? So now we'll take each one of them individually. First we are taking public health services. Public health services that are meant for public. ठीक है, तो public word यहाँ पर use हो रहा है, तो ये क्यों use हो रहा है? क्योंकि ये वो services हैं जो common public के लिए available होती हैं, and these are run by the government. जो health services जो government run कर रही है उन्हें public health services कहा जाता है. ठीक है, और ये एक्चुअली इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर एक्चुअली अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स विच आर रन बाय द गवर्नमेंट, और ये दोनों की नीड्स को कैटर करती हैं. दैट मीन्स रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज, गाँव में भी और शहरों में भी दोनों जगह पब्लिक हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो जो गाँव का एरिया है, हर विलेज पर क्या होते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जिनको शॉर्ट में कहते हैं PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. ठीक है, हर गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जहां पर एक नर्स, एक डॉक्टर और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है, जो कि उसी गांव का कोई पर्सन हो सकता है जिसको कि डॉक्टर्स की सुपरविजन में ट्रेन किया गया हो. ठीक है, तो मतलब बहुत कम स्टाफ के साथ वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स चलते हैं, और वो OPD सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो गांव के लोग हैं जो बीमार पड़ रहे हैं उनको
देखकर जो नॉर्मल चीज़ें कॉमन इलनेसेस हैं उसके लिए ट्रीटमेंट किए जाते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट केवल कॉमन इलनेसेस के लिए ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इलनेस के लिए भी, और स्पेसिफिक जो सर्जरीज होती हैं, स्पेसिफिक मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करना, दिस इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे, क्योंकि वर्ड क्या आ रहा है, प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है, तो प्राथमिक चिकित्सा के लिए गाँव पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है, देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट रन करती है। जो भी जिला चिकित्सालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो गवर्नमेंट रन करती है, और ये कहाँ पर होते हैं, अर्बन एरियाज़ में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। और जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, देयर आर मोर देन वन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ PHCs। जो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं उसकी, वो उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को भी सुपरवाइज करते हैं। दैट मीन्स दे टेक केयर कि वॉट इज़ हैपनिंग इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और वहाँ पर प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं, ये सब भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो CMO होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, वो बैठते हैं और वो सुपरवाइज करते हैं ऑल द हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड इन अ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितनी भी गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ हेल्थ केयर के लिए प्रोवाइड कर रही है उन सबके हेड होते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर, CMO कहते हैं उन्हें, और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होते हैं, ठीक है। नाउ जो ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसका मेन रोल क्या है, है ना, क्या क्यों प्रोवाइड करती है, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर। इनकी मेन, द फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज़ टू प्रोवाइड हेल्थ केयर ईदर फ्री और एट वेरी लो कॉस्ट। मेन फंक्शन है इसका कि हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना या तो बहुत कम दामों पर या ऑलमोस्ट फ्री, ठीक है, जिससे कि हर व्यक्ति जो कि बहुत पुअर कंडीशन में है या बिलो पॉवर्टी लाइन जो रह रहा है वो भी उसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हर सिटीज़न के लिए है, चाहे वो पुअर हो चाहे रिच हो, तो पुअर लोग भी जिसको अफोर्ड कर पाएँ ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। आ रहा है समझ में, क्योंकि ये गवर्नमेंट रन कर रही है इसलिए इनकी ड्यूटी है, इनको, इनका मेन फंक्शनिंग का एस्पेक्ट क्या है, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर ईदर फ्री और एट वेरी लो कॉस्ट। एंड नॉट ओनली दिस, उनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट होता है प्रिवेंशन, ठीक है। आपने ये पढ़ा है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कोई बीमारी हम क्योर करें उसके पहले ही, अगर हम उसे प्रिवेंट कर लें तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी, कि प्रिवेंशन जो है वो क्योर से बेटर होता है, बीमारी को होने ही ना दिया जाए। तो प्रिवेंशन के लेवल पर स्टेप्स उठाना, दैट इज़ ऑल्सो द फंक्शनिंग ऑफ दीज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज। बहुत सारी डिजीजेज ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, ठीक है, जो गंदे पानी से, गंदा खाना खाने से या अनसैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट से, जहाँ पर हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है, ऐसी जगहों से होती हैं, मच्छर से होती हैं, तो उनको प्रिवेंट करना, दिस इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ, और वी कैन से द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। ऐसी कुछ बीमारियों के नाम आपकी बुक में दिए हुए हैं, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं, लाइक चिकनगुनिया, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, दीज आर ऑल द डिजीजेज विच कैन बी प्रिवेंटेड, जिनको कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन करके, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जैसे ट्यूबरक्लोसिस है उसकी वो सैनिटेशन हाइजीन से नहीं होता, बट इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, और उसके लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट जो है वो फ्री प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, जॉन्डिस, कॉलरा, डायरिया, चिकनगुनिया, दीज आर नेम्स ऑफ द डिजीजेज आर गिवन इन योर बुक, ठीक है। और एक और एस्पेक्ट इसमें आप ये जोड़ सकते हैं कि दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दीज डिजीजेज दैट द कम्युनिटी शुड टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दिस। बिना कम्युनिटी के एक्टिव पार्टिसिपेशन के ये सर्विसेज नहीं, या हाइजीन सैनिटेशन या जो भी प्रिवेंशन के मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट नहीं ले सकती है ना। अकेले गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती जब तक जो जनता है, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो उनको सहयोग ना करें। अगर गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर रही है, गलियां साफ़ हो गई, रोड साफ़ हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर फिर लोग कचरा फैला देंगे तो फिर इसमें तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती ना। उसमें अगर उनको बोला जा रहा है कि आपने घर में पानी ना जमा होने दें, तो गवर्नमेंट के लोग आके आपके घर में तो नहीं देखेंगे कि आप पानी जमा होने दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं,
उससे मच्छर पैदा होंगे और मच्छरों से होने वाली बीमारियां हो सकती हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ऑल दीज आर स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज. तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड दैट इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज. सो इट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपने लेवल पर वर्क कर रही है और हम लोगों को अपने लेवल पर उनको कोऑपरेट करना चाहिए. ठीक है, सो अब हम आते हैं अपनी हकीम शेख की स्टोरी पर. अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये सब हमने पढ़ लिया कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो क्या हुआ हकीम शेख के केस में, क्या उनको क्या न्याय मिला? सो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ एक होता है. ठीक है, बहुत सारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू लाइफ, यानी हर व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है और ये अधिकार सिक्योर करती है गवर्नमेंट. ठीक है, तो कोर्ट ने इस केस पर क्या जजमेंट दिया कि जो राइट टू लाइफ था दैट इज़ नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि उनको 14 आवर्स जो क्रिटिकल सिचुएशन में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल घूमना पड़ा और उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट था वो डिनाई किया गया बाय द गवर्नमेंट स्टाफ. गवर्नमेंट के मेडिकल प्रोफेशनल्स ने उनको जो डिनाई किया मेडिकल ट्रीटमेंट, दैट इज़ द फॉल्ट ऑफ दैट इज़ द जो कमी थी वो किस शॉर्ट कमिंग किस बिहाफ पर थी, गवर्नमेंट की बिहाफ पर, क्योंकि यहाँ पर राइट टू लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट नहीं किया गया. ठीक है, राइट टू लाइफ वॉज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर गवर्नमेंट विल हैव टू कंपेंसेट ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर बीइंग स्पेंड बाय हकीम शेख फॉर हिज ट्रीटमेंट. अपनी ट्रीटमेंट में उनको जो भी पैसा खर्च करना पड़ा, कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो भी ट्रीटमेंट में पैसा खर्च हुआ हकीम शेख का वो स्टेट गवर्नमेंट उनको रिटर्न करेगी, उनको कंपेंसेट करेगी. ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अब समझ में आ रहा है क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुनते हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था. सो इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं टू अस इन कॉमन कंडीशंस, इन नॉर्मल कंडीशंस ऑल्सो एंड इन एमरजेंसी सिचुएशंस ऑल्सो. अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत एमरजेंसी के समय भी पड़ रही है, क्रिटिकल कंडीशंस में भी पड़ रही है, देन ऑल्सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वंस लाइफ. ठीक है, क्योंकि वी ऑल हैव राइट टू लाइफ, तो ये लाइफ राइट टू लाइफ जो है ये प्रोटेक्ट करना इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट ये कैसे करेगी? अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स के बिहाफ से. और हेल्थ प्रोफेशनल्स ने अगर डिनाई किया है तो उसका कॉम्पेंसेशन किसको देना पड़ा? स्टेट गवर्नमेंट को. तो स्टेट गवर्नमेंट ने हकीम शेख को उनका पैसा रिटर्न किया. ठीक है, अब दूसरी वाली सर्विसेज क्या है? प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज. नाम में ही प्राइवेट वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स दीज आर प्राइवेटली ओन्ड. और ये आप अपने आसपास बहुत सारे प्राइवेटली ओन्ड हेल्थ केयर सर्विसेज देख सकते हैं. बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एक डिस्ट्रिक्ट में 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 होंगे, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. प्राइवेट नर्सिंग होम्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट लेबोरेटरीज जहाँ पर मेडिकल टेस्ट होते हैं, और मेडिकल शॉप्स आर ऑल्सो दीज आर द प्रोवाइडर्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज. तो बहुत सारी प्राइवेट मेडिकल शॉप्स भी हैं जो कि हमें दवाइयाँ प्रोवाइड करती है. सो ऑल दीज कम अंडर प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ विच आर रन प्राइवेटली एंड विच आर नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, विच आर नॉट रन बाय द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट रन नहीं कर रही है, जिनको डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, और जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, मतलब उनका मालिक एक इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट नहीं है, उनको प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कहते हैं. ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस है कॉस्ट का डिफरेंस, बिकॉज दीज आर हाईली एक्सपेंसिव एंड एवरीबडी इन आर सोसाइटी कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. आ रहा है समझ में? बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हमारे देश में, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ वेरी हाई. इन देर इज़ नो डाउट दैट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड इज़ ऑल्सो वेरी गुड. जो क्वालिटी ऑफ सर्विस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं मिलती. उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जितना मनी है उतना प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास नहीं है. तो गवर्नमेंट चाहे तो बहुत अच्छे से मेंटेन सब चीज़ें हो सकती है, बट स्टिल द सिनेरियो इज़ जस्ट अपोजिट टू इट, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बट नॉट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. बट अगेन आर कंट्री इज़ नॉट अ वेरी रिच कंट्री, इट इज़ अ
पुअर तो नहीं कहेंगे हम हमारी देश को, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हर इतना महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रॉपरली रन करना या वो इंश्योर करें कि हर व्यक्ति की हेल्थ सही रहे, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम लोग मतलब ये जो गवर्नमेंट है वो कैसे ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मेंटेन करती है। ठीक है, तो कैसे मेंटेन करती है? थ्रू द टैक्सेस दैट वी गिव टू द गवर्नमेंट। हम लोग अभी, आप लोग छोटे, आपको पता नहीं है, बट आपके मदर फादर से पूछना दैट वी आर पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, और जिस टैक्स मनी को कलेक्ट करके गवर्नमेंट रन करती है किसी भी देश को। ठीक है, उनके रिसोर्सेज ऑफ इनकम क्या है? द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड और लेवीड ऑन द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। किसी भी देश की जनता के ऊपर जो सरकार टैक्स लगाती है उससे जो रेवेन्यू जमा होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट उस पैसे का उपयोग करके पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और बहुत दूसरी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये हम एक बार देख लेते हैं कि वाई वी पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, वाई पे टैक्सेस। ठीक है, ये जो टैक्सेस हम देते हैं गवर्नमेंट को, ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए देते हैं जो कि हम खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, हर व्यक्ति अपने लिए वो सभी सुविधाएं नहीं जुटा सकता जो कि गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है। हम लोग क्या अपने लिए खुद रोड बना लेते हैं, या हम अपने लिए खुद अपने हॉस्पिटल्स खड़े कर सकते हैं, या हम खुद अपनी आर्मी रख सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर जो सर्विसेज हम, जो पीपल हैं, वो खुद अपने इंडिविजुअली ओन नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम टैक्सेस पे करते हैं और गवर्नमेंट हमारे लिए वो सब चीज़ें करती है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ क्या है? गवर्नमेंट यूजेज द टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज लाइक डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज, और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट हमें हमारे टैक्सेस मनी को यूज़ करके प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम सच एज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम सोसाइटी में किसके द्वारा रन किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सब भी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बाई यूजिंग द टैक्स मनी। क्लियर? देन दिस टैक्स फंड इज ऑल्सो यूज इन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। आए दिन आजकल आप देख सुनते हो न्यूज़ में कि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा बढ़ रहा है, कहीं पे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, तो इस समय जो रिहैबिलिटेशन और रिलीफ सर्विसेज पहुंचाने की ज़रूरत होती है उसके लिए भी पैसे चाहिए। वो कहाँ से आते हैं? थ्रू द टैक्स फंड दैट इज़ कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। सिमिलरली स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स, हम इतने सुनते हैं ना कि देश ने सैटेलाइट लॉन्च किया, या हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया है, या स्पेस में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, रिसर्चेज हो रही हैं, उन सब प्रोग्राम्स को भी फंड कौन करता है? गवर्नमेंट करती है थ्रू द टैक्स मनी। आ रहा है समझ में? ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है और ये कोई इंडिविजुअल अपने लेवल पर नहीं कर सकता, तो इसकी, इन सर्विसेज को फंड कैसे किया जाता है, फाइनेंस कैसे किया जाता है? थ्रू द टैक्स मनी। देन गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर। गवर्नमेंट कुछ जो सर्विसेज जो है वो बहुत गरीब लोगों के लिए चलाती है जो कि उन सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइक तुमने सुना होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन की चीज़ें मिलती हैं, तो बहुत सस्ते दामों पर गरीब लोगों को राशन प्रोवाइड किया जाता है। विधवा पेंशन योजना है, स्वरोजगार योजना है, अभी मनरेगा जो योजना है जिसमें हर व्यक्ति को 100 दिन तक काम देना ज़रूरी है गवर्नमेंट को, और अगर नहीं दे पाए तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट किसके लिए चलाती है? गरीब लोगों के लिए, जो कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज हैं, दीज आर ऑल्सो रन बाय द टैक्सेस दैट वी यूज टू गिव टू द गवर्नमेंट। तो ये हमारे टॉपिक्स हमने कुछ कवर कर लिए हैं आज। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसको देखना, समझना, चैप्टर रीड करना, और अगर एक बार में समझ नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली एंड गिव मोर टाइम टू योर स्टडीज़। थैंक यू।